आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टैक क्या होता है। ठीक है, तो पाइथन में स्टैक जो है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल देखना जरूरी है कि ये कैसे हम लोग समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई, क्या बनाया, लिस्ट बनाया, और लिस्ट एम्प्टी है। अब लिस्ट का सिंबल यही है, कैसे पता करेंगे ये लिस्ट है, तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, क्या प्रिंट करवाएंगे, लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, लिस्ट का टाइप प्रिंट करवाएंगे, टाइप ऑफ लिस्ट, लिस्ट LIST। तो यहाँ पे लिस्ट का टाइप अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे क्या टाइप आएगा, लिस्ट आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर पहले इसको सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, .py लगा के। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ये क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है ना क्लास। तो देखिए ये तो लिस्ट डेटा टाइप हो गया। अब ये तो एम्प्टी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें एलिमेंट्स ऐड करवाएंगे। तो देखिए दो फंक्शंस हैं बड़े ज़्यादा यूज होते हैं, पहला है पॉप और दूसरा है पुश। पुश यानी अपेंड बोलते हैं इसको, पुश को ही अपेंड बोलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपेंड करवाएंगे। कैसे अपेंड करवाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट नाम से ही बना है, एम्प्टी लिस्ट डॉट अपेंड। तो एक एक करके अपेंड करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट एक ऐड करवा दे, कोई भी चीज़ ऐड करवा दे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लैपटॉप। ठीक है, इसमें लैपटॉप ऐड करवा दिया हमने। ठीक है, अब कुछ और भी ऐड करवाना होगा तो फिर यहाँ लिखना होगा लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, तो इसमें ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कर दिया डेस्कटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप ऐड हो गए इसमें। ठीक है, तीसरे पे आते हैं तो ये फिर करते हैं लिस्ट डॉट अपेंड, फिर लिखता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज ऐड करा देंगे, लाइक मोबाइल कर देते हैं, MOBILE, तो ये मोबाइल हो गया। ठीक है, फिर मान लीजिए फिर आते हैं, फिर इसमें अपेंड करवाना है, तो यहाँ पर लिस्ट LIST डॉट अपेंड, और फिर इसमें हम चार्जर कर देते हैं, CHARGER, तो ये चार्जर हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें इसमें अपेंड हो रही हैं। अब ये अपेंड हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये भी तो पता करना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करना मत भूलिएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ देखिए हैश लगा करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये एम्प्टी लिस्ट है। क्या है, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट माने खाली लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश लगा करके वैल्यू इंसर्टेड, इंसर्टेड। ठीक है, तो इसमें वैल्यू इंसर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर फिर वैल्यू इंसर्टेड। ठीक है, तो यही चीज़ बार बार यहाँ पे लिख देते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन करना बड़ा ज़रूरी है, तो ये याद रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जब भी आप बनाइए तो डॉक्यूमेंटेशन करते जाइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन, सब में डॉक्यूमेंटेशन हमने कर दिया है। ठीक है, हर जगह डॉक्यूमेंटेशन करते चलना है, जहाँ भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए हम प्रिंट करवाएं किसको, लिस्ट को, LIST, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, ज़रा सोचिए। पहले क्या आएगा, लैपटॉप आएगा, फिर लास्ट में चार्जर आएगा। तो यहाँ से F5 करते हैं, इसको चला के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल उसी क्रम में ही ये व्यवस्थित होकर आया है जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब सबसे पहला एलिमेंट क्या ऐड हुआ है इसमें, लैपटॉप। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको रिमूव करवाना चाहें तो पहला एलिमेंट क्या रिमूव होगा, लैपटॉप ही पहले रिमूव होगा। आप यूं समझ लीजिए कि बहुत सारी मोटी मोटी किताबों का एक संग्रह कर रखा है और एक के ऊपर एक रखा है आपने, तो अगर मान लीजिए कि 20 किताबें आपने एक के ऊपर एक करके रखी हुई हैं और मोटी मोटी किताबें हैं, तो अगर सेकेंड वाली निकालनी है, नीचे से सेकेंड वाली जो बुक है उसको निकालना है, तो आपको सारी बुक्स को हटाना होगा, तब तो सेकेंड वाला निकालेंगे, नहीं तो सब तो गिर जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है लीफो का, क्या यूज होता है, LIFO, लीफो। अब लीफो क्या होता है, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या होता है, फर्स्ट आउट। ठीक है, या इसी को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, फिलो भी कहते हैं, फिलो, बात वही है। यहां पर क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखिए कैसे अपेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे LIST लिस्ट लिखा और यहाँ पे डॉट कर देंगे POP, पॉप। ठीक है, अब लिस्ट डॉट पॉप कर दिया है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्रिंट करवाया किसको, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हम A को, सॉरी लिस्ट को, LIST लिस्ट को। तो अभी इसमें से सारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी थी, अभी हटेगा तो कौन सा हटेगा, कौन सा नहीं हटेगा, पहला, मैंने क्या बोला, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो क्या होगा, कौन हटेगा, तो कौन सा लास्ट वाला है। तो अगर इसको चलाएं तो चार्जर नहीं आना चाहिए, यही है ना,
तो यहां से इसको रन कराते हैं। तो यहां पर रन कराने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर चार्जर गायब है, ठीक है ना। तो ये जो कहलाता है ना, यही लीफो का कॉन्सेप्ट कहलाता है, या फिलो भी आप इसे बोल सकते हैं। अब अगर मैं यही चीज दोबारा लिख देता हूं यहां पे लिस्ट डॉट पीओपी, तो आप देखेंगे कि दूसरा वाला भी जो है यहां से हट जाएगा, ठीक है। यानी कि अब चार्जर के बाद क्या बचा, अब ऐसा नहीं है कि लैपटॉप हट जाएगा या डेस्कटॉप हट जाएगा, मोबाइल ही हटेगा जब भी हटेगा तब, ठीक है। तो देखिए अभी मोबाइल गायब हो गया, ठीक है ना। ऐड भी होगा तो लैपटॉप और डेस्कटॉप के बाद ही कुछ ऐड होगा। जैसे यहां पर अगर मैं ऐड कराता हूं, जैसे ऐड कराने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड appendd, ये लिख दिया। अब यहां पे मान लीजिए हम कीबोर्ड लिख देते हैं keyboard, कीबोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां पे देखिए कीबोर्ड इसके बाद ही ऐड होगा, जब भी ऐड होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही कहलाता है लीफो का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना।